नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बैनर कैसे डिज़ाइन करते हैं, फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आपको एक डिज़ाइन दिख रहा होगा, देखिए फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन किया है मैंने यहाँ पे, तो ये वाला डिज़ाइन सेम टू सेम हम लोग कैसे बनाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, जिससे कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, वो लोग भी इस तरह के डिज़ाइन बना सकें। और ये मैं आपको कोरल ड्रॉ, ये जो डिज़ाइन किया है मैंने वो है कोरल ड्रॉ 11 का इस्तेमाल किया है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको तरीका पता है, प्रोसेस पता है, तो आप चाहे वो कोरल ड्रॉ 12 हो, चाहे कोरल ड्रॉ 11 हो, या कोरल ड्रॉ 9 हो, या कोरल ड्रॉ X8 हो, X5 हो, कोरल का X3 हो, हर किसी में भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, कर सकते हैं। आप भी इस तरह का बैनर डिज़ाइन, फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला पूरा का पूरा डिज़ाइन हम लोग कैसे बनाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को जरा सा मैं साइड में उठाकर रख देता हूँ, देख लीजिए एक बार बैनर को अच्छी तरह से आप देख लीजिए ये वाला डिज़ाइन। उसके बाद इसे हम लोग थोड़ा सा साइड में उठा के रख देते हैं, जिससे कि मैं इसे देखता आपको दिखाता भी रहूँ और साथ में सेम टू सेम ये वाला बैनर मैं आपको बना के दिखाऊँगा अभी कैसे बनाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप सबसे पहले नया एक पेज लेना होता है, उसके बाद आप चौड़ा पेज में जनरली हम लोग बैनर डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे सभी को पता है कि कोरल ड्रॉ के अंदर पेज, नया पेज कैसे लेते हैं। लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ से पेज साइज ले लीजिए। तो उसके बाद ये जो है लैंडस्केप, चौड़ा पेज के लिए यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद चौड़ा पेज इस तरह का आ जाएगा। लेने के बाद अब जिस साइज आपको लेना है, साइज लेना भी बहुत सिंपल है, इस रिलेटेड मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं, साइज कैसे लेते हैं ये सब बताया है मैंने। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि ये वाला डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है आपको टूल बॉक्स में जाना है, और ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक कर देना है, और नॉर्मल सा एक बैनर जितना साइज का आपको लेना है इस तरह का एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया इस तरह का रेक्टेंगल टूल से। अब थोड़ा सा इसका आउटलाइन को थिक कर देते हैं, जैसे ये वाला थिक किया है, थोड़ा सा यहाँ से ये हेयर लाइन जो लिखा हुआ है यहाँ से इसे फोर कर देते हैं, देखिए आउटलाइन हो गया। अब करने के बाद दूसरा जो काम करना है, ये जो नीचे का पोर्शन है ये वाला हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में अगेन आप चले जाइए, और ये जो टूल है देखिए, ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, और नॉर्मल से यहाँ से लेके एक नॉर्मल से इस तरह का रेक्टेंगल बॉक्स हम लोग इस तरह ड्रॉ कर देंगे। देखिए रेक्टेंगल बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया। करने के बाद जो दूसरा हमें काम करना है, ये जो टूल है, ये जो शेप टूल है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा ये जो शेप, जो बॉक्स हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, ये देखिएगा इस तरह का आपको छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स आपको ब्लैक दिखाई देगा इस टूल पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर चले जाइए, यहाँ अरेंज में जाइए, उसके बाद इसे कन्वर्ट टू कर्व्स में क्लिक कर दीजिए। कन्वर्ट टू कर्व्स या शॉर्टकट भी है जिसे हम लोग शेपिंग देते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू, तो कन्वर्ट टू कर्व्स में क्लिक कर दिया। और ये जो ऊपर का दो जो डॉट दिखाई दे रहा है, इसको आपको ऐसे सिलेक्ट करना है शेप टूल सिलेक्टेड रहने के बाद। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप इस दोनों जो नोड है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे शेप टूल का जो प्रॉपर्टी बार इस तरह आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे ये वाला जो है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, फिर बाहर क्लिक कीजिएगा, इस डॉट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोड यहाँ पे दिखाई देगा बीच में। अब आपको क्या करना है, इस नोड को पकड़िएगा ऊपर थोड़ा सा, इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस तरह आपको शेप देना है, इस तरह आप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का शेप दे दिया। उसके बाद ये वाला, ये राइट हैंड साइड वाला जो नोड है वहाँ पे भी देखिएगा हैंडल आपको दिखाई देगा, उससे आप इसको थोड़ा सा नीचे इस पर फिर से क्लिक कर दीजिए नोड पे, ये हैंडल आ गया। अब यहाँ से आप इसको जितना ऐसे इस तरह का कर्व करना है आप इस तरह का कर्व कर लीजिए, जिससे आपको देखने में डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह लगे। करने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया, ये देख लीजिए इस तरह कर्व बन गया। बनने के बाद आप क्या कीजिए, पिक टूल पे क्लिक कीजिए। अब देखिए इस तरह का कर्व बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक इसका बीचों बीच ये जो बॉक्स हम लोगों ने रेक्टेंगल बॉक्स को जिसको कर्व किया हम लोगों ने इस तरह, इसके ठीक बीचों बीच यहाँ पे जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको इस तरह का क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रोटेशन का यहाँ पे बना हुआ मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का दिया हुआ है। अब इससे आपको क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे रखना है माउस पॉइंटर, और इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक को
क्लिक को प्रेस करके रखना है और साथ में राइट क्लिक करना है। याद रखिएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक नीचे ऐसे टान देना है, नीचे लाना है, और साथ में माउस का राइट क्लिक क्लिक कर देना है। माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, साथ में राइट क्लिक आपको नीचे ला के क्लिक कर देना है। तो देखिएगा, इस तरह का एक और यहाँ पे शेप इस तरह का बन गया, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, फिर बाहर क्लिक करते हैं। अब ये जो दूसरा वाला जो ये इस तरह का कप बना हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर से दोबारा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सेम वो ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगेन थोड़ा सा नीचे आपको इस तरह माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है इस तरह, और साथ में माउस का राइट क्लिक कर देना है। तो देखिएगा, यहाँ से प्लस इस तरह बन जाएगा, ये इस तरह का बन गया। फिर आपको क्या करना है, अब तीसरा लेना है, तो फिर अगेन यहाँ पे रखिए, इसको नीचे कीजिए ऐसे करके, माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है और नीचे ड्रैग करना है, और साथ में राइट क्लिक कर देना है। देख लीजिए इस तरह का बन रहा है, देख सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा हाँ, फिर यहाँ पे आप लाइए, इस पोजीशन पे लाइए, माउस का लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा नीचे इस तरह ड्रैग कर दीजिए, और माउस का राइट क्लिक आपको कर देना है। साथ में लेफ्ट क्लिक तो दबा के रखना है, नीचे लाना है, राइट क्लिक कर देना है। प्लस का साइन आया, देखिए इस तरह का सुंदर सा, देखिए इस तरह का शेप बन के तैयार हो गया, देख लीजिए इस तरह का। अब बनने के बाद थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ जिससे आप देख सकें। अब पहले वाला को एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये वाला डिज़ाइन को देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए सेम, देखिए ये वाला, देखिए इस तरह का बना हुआ, देख लीजिए ये वाला सेम उसी स्टाइल में ये वाला हम लोग बना रहे हैं, ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, इसको हमें कलर करना है। देख लीजिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है पहला वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे कलर करना है। तो जो कलर पहले वाला में देना है, लाइन को आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से चूज कीजिए। जैसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला कलर हो गया, देख सकते हैं जैसे ये वाला कलर किया है मैंने, पहले वाला में कलर कर दिया। अब रहा दूसरे वाला में, तो दूसरे वाला में कलर देखिए ध्यान से, यहाँ पे हल्का सा ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ से हल्का सा व्हाइट दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें दूसरे वाला जो लाइन है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये वाला जो शेप वाला है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो कलर है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कलर है यहाँ से ब्लैक टाइप का कलर है, यहाँ से एक चूज़ कर लीजिए। 30% ब्लैक है यहाँ पे ये वाला कलर, जो आपको लगे 40% 30% जो। तो इसमें देखिए इस तरह का कलर फिल हो गया पीछे वाला में। करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे सबसे नीचे में जो टूल है, ये वो जो टूल है इंटरेक्टिव फिल टूल है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह आपको लेफ्ट से इस तरह देखिए, इधर से आपको ये कलर करना है, इधर से आपको जैसे ये वाला है तो देखिए इधर से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए वाइट वाला इधर से इधर चाहिए। तो क्या करना है, अगर गलती हो जाए एडिट में जाके इसे अंडू कर दीजिए, अंडू फिल। अब आपको क्या करना है, इधर से राइट हैंड साइड से आपको लेफ्ट हैंड साइड इधर ड्रैग कर देना है। ये देखिए हल्का सा दिखाई दे रहा है ब्लैक टाइप का, इसको आपको बढ़ाना है ज़्यादा, इसको और ज़्यादा ब्लैक करना है इस तरह, देखिए यहाँ पर वाइट आ गया। इधर से आपको यहाँ से जितना आपको रखना है इस तरह कर दिया हम लोग, देखिए ये जो सेम इसी टाइप का बन गया। फिर बाहर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए इस टाइप का हो गया। फिर बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक है, थोड़ा सा ब्लैक है, फिर वाइट है, इसको करना है। तो नीचे वाला ये जो लाइन है, ये जो है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से आप जो भी यहाँ पे ब्लैक टाइप का जो भी कलर लिया, इस पर फिल कर दीजिए। ये देखिए फिल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से आपको इधर में ब्लैक रखना है, इधर में वाइट ट्रांसपेरेंसी देना है इधर से। तो अगेन आप क्या कीजिए, यहाँ पे चले जाइए, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इंटरेक्टिव फिल टूल, इस पर क्लिक कीजिए। अब इधर से आपको ड्रैग करके इधर कर देना है, ऐसे करके टान देना है। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ये देखिए तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। देखिए इधर वाइट हो गया, इधर ब्लैक हो गया, दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इधर आपको ब्लैक करना है और इधर वाइट। अगर गलती हो जाए एडिट में जाइए, अंडू फिल कर दीजिए, क्योंकि गलती इसलिए जानबूझ के कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह से जान पाएँ, सीख पाएँ, गलती होता है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे पूरा ब्लैक है, इधर वाइट है, इधर पहले वाइट है, जैसे यहाँ पे हल्का सा ब्लैक टाइप का है, ग्रे टाइप का, इधर में आपको वाइट है। तो ठीक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इधर से अगर आप इधर टानते हैं तो ये देखिए, इधर से ये देखिए, इसको इधर इधर कर दीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर ब्लैक हो गया, इधर वाइट हो गया। इसको जितना चाहें आप टान सकते हैं, उसको उठा के आप इसको रख भी सकते हैं जिधर आप चाहें। ये हो गया, तो यहाँ तक का देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। फिर ऊपर में वाइट है, फिर हल्का सा देखिए रेड वाला बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऊपर वाला पे इस पर क्लिक कर दीजिए, ऊपर वाला पे। अगर इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से अगर टानते हैं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है, देखिए कॉर्नर पोर्शन को और नीचे कर देते हैं। ये देखिए ये वाला ऐसा हो गया। अब ये वाला कलर सेम इसमें फिल करना है। सिंपली आप यहाँ पर जो कलर था यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए अब इसमें फिल हो गया, देखिए इसमें फिल हो गया। एडिट में जाके इसे अंडू कर दीजिए, अंडू फिल। आपको फिल करना है ये वाला, बाहर क्लिक कीजिए, सिर्फ इसको सिलेक्ट कीजिए, ये वाला पोर्शन को, ये पीछे वाला को।
अब पीछे वालों को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कलर करना है। तो देखिए दोनों फिल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों सिलेक्टेड है। तो बेस्ट यही है, एडिट में जाइए, सैंडू फिल करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है आपको लाइन, ये देखिए ये वाला जो लाइन है, इसको आपको क्या करना है, पूरा वाइट ही रखना है, इस तरह का वाइट टाइप का। इसको यहाँ से लेके आना है, ये वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन, अगर इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, देखिए वाइट हो गया। फिर इसको क्लिक करेंगे ऊपर वाला को, यहाँ से हम लोग दूसरे जो कलर है सेम टू सेम वहाँ से क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस तरह का, ये देखिए बॉर्डर हो गया। इसको हल्का सा आप यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आइए, इतना काफ़ी है। ये देखिए हल्का सा, देखिए बॉर्डरनेस इस टाइप का बन के तैयार हो गया। तो ये बन के तो तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप क्या कीजिएगा, अब देखिए ये तो जो बॉक्स हम लोगों ने लिया है, ये तो बाहर चला गया, देखिए यहाँ से बाहर चला गया। अब इस ये जो पूरा का पूरा शेप को क्या करना है आपको, ये जो पूरा का पूरा आपको शेप दिखाई दे रहा है, इसको पूरा का पूरा ऐसे पिक टूल पे क्लिक कीजिए और इसको पूरा का पूरा इस तरह सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए सिलेक्ट कर दिया पूरा का पूरा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, फिर पावर क्लिप में आना है, यहाँ पे प्लेस इनसाइड कंटेनर इस पर क्लिक करना है, और जो ये जो बॉक्स है मेरा, ये जो डिज़ाइन का जो बॉक्स बनाया था, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, देखिए इसके अंदर में ये चला गया, देख लीजिए ये पूरा का पूरा डिज़ाइन अंदर चला गया, शेप के अंदर चला गया। लेकिन अभी देखिए इस तरह का आपको नीचे लाना है, इसे पूरा का पूरा मैटर को नीचे लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको इफेक्ट में जाना है, पावर क्लिप में जाना है, और यहाँ पे देखिए एडिट कंटेंट्स लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आउटलाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है पूरा का पूरा, अगर इसको ड्रैग करते हैं हम लोग, ये देखिए सिर्फ यही वाला मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा अगेन से फिर से सिलेक्ट कर दीजिए इसको। अब इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से ड्रैग करके नीचे लाइए यहाँ पर, ये देखिए नीचे एकदम लेके आइए जितना आपको रखना है। देखिए और नीचे जाना चाहिए, देख लीजिए और नीचे जाना चाहिए, इसको और नीचे लेना है ले लीजिए आप। उसके बाद थोड़ा सा देखिए बाउंड्री से कटा हुआ जितना आपको रखना है, अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा और इधर जाएगा तो इधर से आप सेव कर लीजिए, और थोड़ा नीचे ले जाना है इसको, और नीचे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह कटा हुआ, उसको हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, पावर क्लिप में जाना है, फिनिश एडिटिंग लेवल। ये देखिए इस तरह का शेप बन के तैयार हो गया, जैसे ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं, ये बना हुआ है, देख सकते हैं बन गया। अब सवाल उठता है कि ये वाला जो डिज़ाइन इधर किया हुआ है, ये वाला, ये कैसे हम लोग करेंगे इधर वाला, तो क्या करेंगे, बेस्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर से इसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, आपको पावर क्लिप में जाइए और यहाँ पे एडिट कंटेंट में क्लिक कीजिएगा, तो ये वाला सिर्फ फिर से आपको उसी तरह दिखाई देने लगेगा, ये वाला मैटर। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए इसको। सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे एडिट में जाइए, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी ये वाला कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, यहाँ पे फिनिश एडिटिंग लेवल। तो यहाँ तक का तो काम हो गया, ये वाला तो हो गया। अब बाहर क्लिक कीजिए, करने के बाद एडिट में जाइए, जो कॉपी किया था हम लोगों ने पेस्ट कर दीजिए। देखिए एक और कॉपी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए ध्यान से ये वाला आ गया मैटर, देख लीजिए ये वाला यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम लोगों ने उसे कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इधर से रोटेट करना है, पूरा का पूरा आपको इसको सिलेक्ट कर दीजिए। अब ऐसे आपको रोटेट करना है, तो ये देखिए शेप ऐसे राउंड किया हुआ है, तो सिर्फ इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको ऐसे रोटेट आपको कर देना है। ये देखिए मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट कर देने के बाद आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर बीच में क्लिक कीजिए। अब इसको पूरा का पूरा मैटर को यहाँ पर लेके आइए, देखिए यहाँ पर लेके आइए, ठीक यहाँ पर ला के रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसको बड़ा छोटा ऐसे जैसे आपको करना है, यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। करने के बाद अगेन इसके अंदर आपको फिल करना है, तो ये सबको सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद इफेक्ट में जाना है, यहाँ पावर क्लिप में जाइए, प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक कीजिए, ठीक यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ठीक इस बॉक्स के अंदर वो चला गया मैटर, देख लीजिए ध्यान से बॉक्स के अंदर मैटर चला गया। फिर इफेक्ट में जाइए, यहाँ पावर क्लिप में जाइए, यहाँ पर देखिए एडिट कॉन्टेंट दिया, इसमें क्लिक कीजिए और ये मैटर को पूरा का पूरा, ये वाला मैटर को पूरा सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट हो गया, इसको ठीक जहाँ पे रखना है, जैसे ये वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको जहाँ पे रखना है आप ऐसे लाके यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे लाके रख दीजिए ऐसे करके। आप चाहे तो इसको क्लिक करके ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, जैसे आपको करना है। रख दिया, उसके बाद इफेक्ट में जाइए,
पावर क्लिप में जाइए, फिनिश एडिटिंग लेवल कर दीजिए। अब देखिए इस तरह का डिज़ाइन बन गया, लेकिन देखिए ये जो कार्वनेस जो इस तरह आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह राउंड। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पे ऊपर रह गया, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? फिर इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, एडिट कॉन्टेंट में जाएंगे, ये जो मैटर है ये ऊपर वाला पोर्शन, तो इसको फिर से हम लोग क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ। देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ पे लाया, ये देखिए अब मैटर यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, रोटेट करना है, जैसा आप चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा और नीचे करना है तो थोड़ा नीचे कर लीजिए, ये देखिए ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, फिनिश एडिटिंग लेवल पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए इस तरह बन के तैयार हो गया। इसको और थोड़ा अंदर करना है, थोड़ा बाहर हो गया, देखिए इस तरह और करना है। तो अगेन आप इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, एडिट कंटेंट में जाइए, थोड़ा सा इसको आप क्लिक सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा समय लगता है थोड़ा सा इसको फिटिंग करने में, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल भी बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हो सकता है तो समय लगता है। ये हो गया, देखिए थोड़ा सा फाँका यहाँ से, ये देखिए लाइन आपको दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं लाइन में, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और लेके आते हैं, अब ठीक है। देखिए थोड़ा सा इधर भी दिख रहा है। उसके बाद इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाइए, फिनिश एडिटिंग लेवल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए कुछ हद तक ये देखिए इस तरह का बन गया, तैयार हो गया, थोड़ा समय लगता है, ये बन गया। और इसको इधर घुमाना है तो घुमा के भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह का मैटर देखिए यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो राणा क्लोथ स्टोर लिखा है प्लस इसमें कलर फिल करना है, तो यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो आपको कलर फिल करना है। देखिए कलर फिल हो गया, जो यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिया हुआ है जो आपको अच्छा लगे यहाँ से फिल कर लीजिए। देखिए इस तरह कलर फिल हो गया, ये सेम कलर फिल हो गया। अब ये जो राणा क्लोथ स्टोर लिखा हुआ है, अब ये वाला लीडिंग हाउस ऑफ फैशन, अब ये लिख के दिखाता हूँ, ये बॉक्स बना के दिखाता हूँ, इस तरह सर्कल करके दिखाता हूँ, सिंपल है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राणा क्लोथ स्टोर लिख दिया। लिखने के बाद इसको आप यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे पिक टूल में क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे जो फॉन्ट है यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट है यहाँ से चूज़ कर लीजिए, जैसे ये वाला है, हो गया। होने के बाद इसको कलर कर देना है, ये देखिए पिंक कलर से कलर कर दिया। अब इसके अंदर शैडो दिया हुआ है, तो शैडो देने के लिए सभी को पता है, ये टूल बॉक्स में जाइए और टेक्स्ट टूल के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेक्टिव शैडो टूल है, इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको थोड़ा ड्रैग कर दीजिए नीचे, यहाँ पे देखिए शैडो आ गया, ये देखिए ओके, देखिए शैडो आ गया, देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें देखिए ब्लैक रंग का आपको अलग से ये दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, एक शैडो तो दिखाई दे रहा है लेकिन ब्लैक कलर का एक अलग सा दिखाई दे रहा है। तो क्या कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, इसका डुप्लीकेट कीजिए, एक डुप्लीकेट कर लिया। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से ब्लैक पर क्लिक कर दीजिए, देखिए ब्लैक आ गया। अब ठीक इसके नीचे आपको पीछे देखिए, इसको पीछे भेज देना है, तो इसको थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं, पहले इसको बाहर लेके आते हैं, इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर बाहर लेके आया मैंने। लेने के बाद ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, जो ब्लैक वाला, इसको पीछे भेजना है, तो रेंज में जाते हैं, ऑर्डर में जाते हैं, सेंड टू बैक पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए पीछे देखिए इस तरह का आ गया। अब इसको दोनों को आपको सिलेक्ट कर देना है, इस तरह सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाइए, इसे ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप हो गया। अब इसको उठा कर ला के रख देते हैं यहाँ पर, मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो लोग भी सीख सके। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये देखिए बन के ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम इधर भी बन गया है, हो गया ये वाला। उसके बाद आपको लिखना है लीडिंग हाउस ऑफ फैशन, इसी तरह आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ए लीडिंग, एल ई ए डी आई एन जी, लीडिंग हाउस ऑफ फैशन लिख दिया। लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको यहाँ से कॉर्नर पोर्शन सिलेक्ट कर दीजिए ऐसे करके, हो गया। उसके बाद यहाँ पिक टूल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से फॉन्ट चूज़ कर लीजिए, बहुत सारा फॉन्ट है जो आपको अच्छा लगे, यहाँ से बहुत सारा फॉन्ट ऐसा सिलेक्ट करना होता है, ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, मुश्किल नहीं है मुझे। ये देखिए आ गया, अब जैसा आपको अच्छा लगे, अलग अलग फॉन्ट्स हैं जो आपको यूज़ करना है यहाँ पर कर लीजिए, ऐसे रख दीजिए इसको। रखने के बाद इसको वाइट कर दीजिए, वाइट वाइट हो गया, जितना आपको वाइट करना है, हल्का सा आपको ब्लैक करना है, ब्लैक ठीक नहीं लगे वाइट ही रहने देते हैं। ये देखिए
बन गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया, ये बन गया। अब जो भी फॉन्ट वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो फॉन्ट आपको लगे यहाँ से चूज़ कीजिए, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। अब ये जो बॉक्स बना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का बॉक्स बना है, सिंपल है, उसी तरह आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक कीजिए और रेक्टेंगल एक बॉक्स इस तरह बना दीजिए, ऐसे करके ऐसे बनाइए रेक्टेंगल, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको जूम कर दिया, सेव टूल में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप अरेंज में जाइए, उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व में क्लिक कर दीजिए, सॉरी इसको क्लिक करना है, अरेंज में जाना है, उसके बाद यहाँ कन्वर्ट टू कर्व हो गया, उसके बाद इसे आप इस तरह ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए इस तरह कर लीजिए। फिर आप थोड़ा सा इसको डिज़ाइन को देख लेते हैं हम लोग पहले, ये देखिए इस तरह का, ये इधर खींचा हुआ है, ये इधर खींचा हुआ है, इधर इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हम लोग कर देते हैं इसको थोड़ा सा, और इस तरह का फ्लैट इस तरह का बना दिया, ये देखिए बन गया। क्लिक करेंगे, अब इसमें कलर देना है तो यहाँ से कलर आप दे दीजिए, हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ से आप इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीछे वाला पे क्लिक कीजिए, पीछे वाला पे उसको वाइट कर देते हैं, वाइट कर दिया इसको आपको, ये देखिए पीछे आ गया। इसको थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पे नीचे आपको रख देना है, ये देखिए इसको कलर तो थोड़ा सा हम लोग पतला कर देते हैं, और ये देखिए बन गया, ये तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैटर लिख देना है और ये वाला 30% ये वाला कर देना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग इस पे लिखेंगे, जैसे हरिपुर मार्केट फर्स्ट फ्लोर, तो सीधा टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये मैं हरिपुर मार्केट मार्केट फर्स्ट, जो भी एड्रेस है आप जितना अच्छी तरह से, मेन इम्पॉर्टेंट है ये वाला डिज़ाइन जो बताया मैंने। उसके बाद सेम उसी तरह आप इसको बोल्ड इटैलिक जो करना है, आप यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक कीजिए टेक्स्ट को, इसको बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से कलर लेना है, ब्लैक ले लीजिए, हो गया। अब उसी तरह आप इसको वाइट भी देना है, किसी का इसी का डुप्लीकेट कर लीजिए, एडिट में जाइए इसी का डुप्लीकेट कीजिए। अब सेम उसको क्या कर देना है, वाइट कर देना, वाइट कर दिया। अब ठीक इसके ऊपर ला के रख देना है, अरेंज में जाइए, यहाँ पे ऑर्डर में टू फ्रंट कर देते हैं, आ गया ऊपर। इसको ठीक है यहाँ से ला के इसके ऊपर रखिएगा, ऐसे दिखाई देगा आपको, ये देखिए। अब दोनों को अगर सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे ही ले जाते हैं, अरेंज में जाते हैं, ऑर्डर में सेंड टू बैक कर देते हैं, हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले, जैसे यहाँ पे देखिए एक और मैटर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सपोज इसको जो कलर यहाँ पे दे दिया, अब इसको ठीक यहाँ पे हमको लाना है, ये देखिए ला के रख दिया। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से वाइट भी कर सकते हो, वाइट भी करना है वाइट के, जो आपको कलर लेना है इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, अरेंज में जाइए, इसे ग्रुप कर दीजिए, उसके बाद इसे ला के यहाँ पे रख दीजिए, ये बन के तैयार हो गया। अब रहा बात ये 30% ऑफ, सिंपल है। अब इसी तरह एक सर्कल करना है, कैसे करना है, यहाँ पे जाइए जाइए और यहाँ पे एलिप्स टूल है, यहाँ से क्लिक करके एक सर्कल इस तरह आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। अब सेम कलर का सर्कल होना चाहिए, तो सर्कल को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ से जो कलर है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब एक सर्कल और इसी का डुप्लीकेट कर दीजिए, एट में जाइए, यहाँ से डुप्लीकेट कीजिए, डुप्लीकेट एक और सर्कल हो गया, इसे आपको वाइट कर देना है, वाइट कर देते हैं, और ठीक यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज़ यहाँ से छोटा कर देते हैं, ये देखिए। इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, देखिए मैं सिंपल सिंपल को तरी वे बता रहा हूँ, जिससे कि जो लोग को डीप नॉलेज नहीं है तो वो लोग भी आप इस तरह बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, ये देखिए। अब इसका आउटलाइन को ठीक करना है, बाहर क्लिक कीजिए, आउटलाइन पे क्लिक कीजिए, और आपको लगता है यहाँ पे जो कलर है आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए तो लगेगा इसका साथ सटा हुआ, देख लीजिए ये बन गया है यहाँ पे। अब 30% लिखना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे बाहर पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 10% 30% जो लिखना है, 30% ऑफ लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर दीजिए, जो आपको लिखना है यहाँ से उठा के इसको रख दीजिए यहाँ पे, ये हो गया। ये थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, सिंपली कुछ नहीं, ये जो बाहर इसके साथ सटा हुआ, क्योंकि ये जो आउटलाइन था जो सर्कल का, उसको मैंने इसी कलर का सेम इसी कलर का कर दिया, तो ऐसे लगा यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। फिर यहाँ पे ये मैं लाके यहाँ पे रख देता हूँ, देखिए सेम टू सेम डिज़ाइन यहाँ पे बन गया, देखिए ये वाला थोड़ा सा इसको और ऊपर से नीचे कर देते हो जाता, ये देखिए पूरा का पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं, देख लीजिए
ये बन गया, ये बन गया, उसके बाद ये वाला बन गया, ये नीचे वाला पोर्शन भी समझा दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे साइड वाला जो पोर्शन है ये भी बन गया। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट किया करने करने के बाद देख लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये वाला जो काबनेस है थोड़ा सा और समय निकाल के थोड़ा सा इसको अगर मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता तो ये घूम जाता, इधर घूमने के बाद इधर लगा सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोसेस सिर्फ मैंने बता दिया कि ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हो जाने के बाद यहाँ पे आप पिक टूल पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा ये डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अरेंज में जाइए, उसके बाद इसे ग्रुप कर दीजिए। अब ग्रुप हो गया, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए जेपीजी फॉर्मेट में, अगर ये करना है आपको। यहाँ पे एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से नाम दे दीजिए, जेपीजी बिटमैप में सेव कर दीजिए, हो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस तरह का डिज़ाइन करते हैं कोल ड्रॉ 11 के अंदर। सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेस तरीका पता होने से आप भी देखिए सेम टू सेम, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए सेम टू सेम ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पे भी बताया, ये वाला डिज़ाइन करने बताया, ये वाला किया। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।